अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आप बैंक नोट प्रेस थाना पे पहुंचे हैं, क्या किस तरह के जो ये निरीक्षण है और क्या अभी जो है आपने यहाँ पाया? BNP थाना का वार्षिक निरीक्षण है, जो अपनी विभागीय प्रक्रिया होती है, किसी भी थाने की कैसी कार्रवाई चल रही है, स्टाफ कैसा काम कर रहा है, रिकॉर्ड संधारण कैसा है, इन सभी के संबंध में एक वार्षिक निरीक्षण करना होता है। अलग अलग अधिकारी अलग अलग समय पर करते हैं, उसी तारतम्य में BNP थाने का भी निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण के दौरान अभी स्टाफ का अवलोकन किया गया, उनके यूनिफॉर्म वगैरह का, बाकी उनको काम के संबंध में भी समझाया गया, क्या उनसे अपेक्षाएँ हैं वो बताई गई, और थाने के रिकॉर्ड वगैरह भी देखे जा रहे हैं, उन पे भी जैसी कुछ कमी मिलती है तो सुधार के लिए बताया जाता है, और जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसके लिए प्रशंसा भी दी जा रही है। तो एक ये प्रशासनिक प्रक्रिया है पुलिस विभाग की, जिसके तहत ये कार्रवाई हो रही है, और अभी तक का जो निरीक्षण है उसमें यहाँ का कार्य संतोषजनक मिला है। सर, एक जो इलेक्शन की बात है, इलेक्शन में कुछ प्राथमिकताएँ बदल जाती है और काम का जो वर्किंग जो है वो भिन्न हो जाता है, क्या उसको लेकर भी निर्देश दिए? पुलिस विभाग का काम कानून के तहत जो निहित प्रक्रिया है उसके तहत होता है। अगर कोई भी घटना होती है तो उसके तहत आगे की कार्रवाई होती है। यह बात सही है कि जब चुनाव का समय होता है तो उसमें कुछ काम पे हमारा फोकस रहता है, जिसमें वारंटों की तामीली है और भी अवैध जो गतिविधियां हैं उसके संबंध में और सख्ती से कार्रवाई होती है, बाकी समय भी होती है। तो अभी उसके संबंध में भी स्टाफ को सेंसिटाइज किया गया है और इस संबंध में चुनाव की कार्रवाइयों के संबंध का प्रशिक्षण भी रखा गया है, तो जल्दी वो प्रशिक्षण प्राप्त करके और आगे की कार्रवाइयाँ करेंगे। आगामी त्योहारों को लेकर भी क्या दिशा निर्देश इस दौरान दिए जाएंगे लायन ऑर्डर को लेकर? आगामी त्योहारों को लेके अपने स्टाफ के साथ बैठक हुई है, जिसमें सभी को निर्देश दिया गया है। आगे आने वाले समय में जो सवारियाँ हैं, गोगा देव जी का, छड़ी का, और आगे जुलूस का कार्यक्रम रहेगा, रक्षाबंधन है, और कुछ स्नान भी आने वाले हैं, सभी के संबंध में चर्चा हुई है, उनकी लिस्टिंग हुई है, और हमारे हर बड़े कार्यक्रम में एक अच्छी व्यवस्था लगाई जाती है। पिछले कई महीनों में लगातार हमारी टीम ने अच्छा काम किया है, और जितने भी कार्यक्रम हुए हैं सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक संपादित किया गया है, और आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए भी अच्छी तैयारी है और शांतिपूर्वक ढंग से निपटाए जाएंगे। धन्यवाद।